हेलो गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रेन, हाउ आर यू ऑल? फाइन, हैप्पी? यस। चलो, कैसे गई आपकी रक्षाबंधन? अच्छी गई ना सबकी? यस, है ना, बहुत मज़े किए होंगे। ओके, तो चलो आज हम क्या करेंगे, आज हम आपकी इंग्लिश की वर्कबुक है ना, उसमें जो लेसन है उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है ना, लेसन जो पढ़ा है उसकी। लेट्स स्टार्ट। सी, हमने नीना एंड द बेबी स्पैरो वाला लेसन पढ़ा था ना, तो अभी हम इसकी वर्कबुक में एक्सरसाइज करेंगे। चलो, क्या है ये? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है ना? यस। उसमें नंबर वन क्या है? टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक करना है, ठीक है ना, एमसीक्यू बेस। चलो, ए, हु वॉज गेटिंग मैरिड। किसकी शादी हो रही थी? नीनाज सिस्टर, नीनाज ब्रदर, नीनाज आंट और नीनाज कजिन। किसकी शादी थी? नीनाज आंट, है ना? यस। चलो फिर आगे देखते हैं। व्हाट वाज ऑन बुकशेल्फ? बुकशेल्फ पे क्या था? स्पैरोज नेस्ट था, क्रोज नेस्ट, पैरट्स नेस्ट, पिकॉक्स नेस्ट। स्पैरोज नेस्ट, है ना, स्पैरो का नेस्ट था ना, उसमें छोटे छोटे दो बेबी स्पैरो थे, है ना? यस। वी विल लीव द डैश ओपन। क्या ओपन रखेंगे हम? वी विल लीव, उसकी मम्मा बोलती है ना, डोर, मेन गेट, कूलर और विंडो। क्या ओपन रखेंगे? विंडो, जिसकी वजह से मम्मा स्पैरो, मम्मा एंड पापा स्पैरो आके अपने बच्चे को फीड कर सके। इसलिए उसकी मम्मा ने बोला था ना नीना को कि हम विंडो ओपन रख के जाएंगे, है ना? यस। चलो अभी आगे देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द चैप्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो चैप्टर में से एक पैराग्राफ दिया है आपको, ये रीड करना है और उसके ऊपर से जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर्स देने हैं। तो आप ये अच्छे से रीड करना और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं ना वो मैं आपको समझाती हूँ और उसके आंसर्स भी समझाती हूँ, ठीक है? चलो, क्या है क्वेश्चन वन? Who were just beginning to get feathers? किसके जस्ट फेदर्स निकल ही रहे थे? कौन थे जिसके फेदर्स यानी पंख निकल ही रहे थे, ऐसे कौन थे? स्पैरोज बेबी, है ना, स्पैरोज के बेबी थे ना जो दो बेबीज। वर जस्ट बिगनिंग टू गेट फेदर्स, है ना, कौन थे वो? स्पैरोज बेबी। आपको इतना ही याद रखना है, स्पैरोज बेबी वर जस्ट बिगनिंग टू गेट फेदर्स, ये पीछे लिख देना है आपको। चलो बोलो मेरे साथ, स्पैरोज बेबीज वर जस्ट बिगनिंग टू गेट फेदर्स। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट साउंड डू द बेबी स्पैरो मेक व्हाइल क्राइंग? जब बेबी स्पैरो रोते थे ना तो कैसा साउंड बनाते थे? तो यहाँ से लिखना है, द बेबी स्पैरोज मेक साउंड, कैसा साउंड बनाते थे? चिप चिप व्हाइल क्राइंग। द बेबी साउंड मेक्स, द बेबी स्पैरोज मेक साउंड्स चिप चिप व्हाइल क्राइंग। जब वो रोते थे तो कैसा साउंड करते थे? स्टे विद मी, द बेबी स्पैरोज मेक साउंड चिप चिप व्हाइल क्राइंग। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री। What did mother suggest Nina? मदर ने नीना को क्या सजेस्ट किया? Her mother suggested Nina, उसकी मम्मा ने क्या सजेस्ट किया? यहाँ से लिखना है, her mother suggested, did है ना, तो यहाँ पे ed लग जाएगा, ये did निकल जाएगा। The mother, her mother suggested Nina to leave the window open, window open रखने को सजेस्ट किया, है ना, कि हम window open रख के जाएंगे। ओके, चलो लाउडली से विथ मी, हर मदर सजेस्टेड नीना टू लीव द विंडो ओपन। ओके, चलो अभी ट्रू एंड फॉल्स, जो सही है उसमें हम क्या करेंगे? टी लिखेंगे, एंड फॉल्स यानी गलत, जो गलत होगा वहां पर हम एफ लिखेंगे। नाउ ए, रीड दिस वन। नीनाज अंकल वॉज गेटिंग मैरिड। नीना के अंकल की शादी थी? नो, आंट की थी ना, तो दिस इज फॉल, हम एफ लिखेंगे। ओके, नाउ बी, नीना डिड नॉट परचेज एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट।
मीना कुछ भी परचेज नहीं कर रही थी मार्केट से, राइट और रॉन्ग? यस, है ना, उसका कुछ मन नहीं करा था, उसका मन किस में था, छोटे छोटे बेबी स्पैरोज में, तो उसको कुछ भी खरीदने की इच्छा नहीं थी क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती थी। तो दिस सेंटेंस इज ट्रू। ओके, नाउ नंबर थ्री, नंबर सी, द नेस्ट वॉज ऑन द बुक शेल्फ। नेस्ट कहाँ पे था, बुक शेल्फ पे था ना, तो यस दिस इज ट्रू। नाउ इट्स टाइम टू डी, डी का नंबर आया, डी का टाइम आया, रेड दिस। नीना वॉज सैड आफ्टर कमिंग फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से जब वो लोग वापस आए तो नीना सैड थी, सैड थी या हैप्पी, देख के बेबीज को देख के क्या हो गई थी वो, सैड की हैप्पी, यहाँ पे तो सैड लिखा है, सो इट इज फॉल्स, रॉन्ग है, है ना। वो तो खुश हो गई थी ना, दो मस्त प्लम्पी वो स्पैरो यहाँ से वहाँ उड़ रही थी जब वो वापस आई तब, है ना। यस, नाउ ई, देर वर थ्री बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। कितने थे, हाउ मेनी बेबी स्पैरोज वर इन द नेस्ट, टू और थ्री, यहाँ पे तो थ्री लिखा है तो ये राइट है, नो इट इज रॉन्ग, क्योंकि कितने थे बेबी स्पैरोज, टू थे, है ना। यस, नाउ शॉर्ट क्वेश्चंस, चलो भी शॉर्ट क्वेश्चंस रीड करते हैं। वेयर वॉज नीनाज फैमिली गोइंग, नीना की फैमिली कहाँ जा रही थी। नीनाज फैमिली वॉज गोइंग टू दिल्ली इन हर आंट्स मैरिज। दिल्ली जा रही थी ना उसकी आंटी के मैरिज में, बोलो। नीनाज फैमिली वॉज गोइंग टू दिल्ली इन हर आंट्स मैरिज। ओके, नाउ नंबर टू, वाई वॉज नीना अपसेट। नीना अपसेट क्यों थी। नीना वॉज अपसेट फॉर टू बेबी स्पैरोज ऑन द बुक शेल्फ। जो बुक शेल्फ पे दो बेबी स्पैरोज थे ना, उसके लिए नीना क्या थी, अपसेट थी कि अगर हम चले जाएंगे सब कुछ बंद करके तो मम्मा पापा स्पैरो कैसे आके उनको फीड कराएगी, फिर वो बेबी का क्या होगा, वो सोच के अपसेट थी, ठीक है ना। नाउ नंबर थ्री, वॉट वॉज द रीज़न ड्यू टू विच नीना डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। कौन सा रीज़न था कि जिसकी वजह से नीना जाना नहीं चाहती थी दिल्ली वेडिंग में, मैंने अभी बताया ना आपको। यस, बिकॉज इफ दे गो अगर वो जाएंगे, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। वो सारी जगह जो है पूरा हाउस क्या करके जाएंगे, लॉक्ड, एंड मम्मा एंड पापा स्पैरो विल नॉट फीड देयर बेबीज, और मम्मा पापा स्पैरो उसके बेबी को फीड नहीं कर पाएंगे, है ना। चलो, वही रीज़न था कि उसकी वजह से वो जाना नहीं चाहती थी। चलो अभी नंबर फोर, वॉट डिड नीना फाइंड ऑन कमिंग बैक फ्रॉम वेडिंग। जब वेडिंग से वापस आई तो नीना ने क्या देखा। वेन नीना कम बैक शी फाउंड टू लिटल प्लम्प स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। नीना ने क्या देखा कि टू लिटल प्लम्प स्पैरोज, छोटे छोटे फ्लफी फ्लफी, है ना, मोटे मोटे गोलू मोलू से दो स्पैरोज क्या कर रहे थे, फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, पूरे रूम में इधर उधर उड़ रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। ओके, नाउ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, मेट द फॉलोइंग। चलो क्या करना है यहाँ पे, मेट द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग। उनका मीनिंग क्या होता है उसके साथ मैच करना है। तो एक्सेप्ट मतलब उसका, उसके सिवा, अलावा, तो उसका क्या होगा मतलब अपार्ट फ्रॉम। एक्सेप्ट मतलब अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट नीना के, नीना के अलावा, अपार्ट फ्रॉम नीना ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ब्रदर, सॉरी बोदर, बोदर लिखा है हाँ, बोदर यानी ट्रबल, कोई भी तकलीफ, तो बोदर यानी ट्रबल, प्रॉब्लम यानी इश्यू, डिफिकल्टी, ठीक है ना। आइडिया, आइडिया आता है ना, तो सजेशन, सजेशन भी बोल सकते हैं, मम्मा ने सजेशन दिया, मम्मा ने आइडिया दिया। प्लम्प, प्लम्प का मतलब क्या होता है, फैट, चब्बी चब्बी, है ना, फ्लफी फ्लफी, समझ में आया आपको। यस, अभी नाउ नेक्स्ट, टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में करेक्ट वर्ड को आपको टिक करना है। देर वॉज ग्रेट जॉय ऑन एट फॉर, तो एट आएगा, क्या आएगा, एट नीनाज हाउस, नीना के घर पे, तो क्या आएगा, एट घर पे, तो एट नीनाज हाउस, नीना के घर पे, तो क्या आएगा, एट आएगा, और नहीं आएगा, ठीक है ना।
चलो, नीना डिड नॉट वॉन्ट टू गो, फिर यहाँ पे फॉर आएगा, फॉर द वेडिंग. ओके, नीना डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर द वेडिंग. फिर देर वॉज अ स्पैरोज नेस्ट. स्पैरो का नेस्ट कहाँ था? बुक शेल्फ के ऊपर. ओवर कहाँ, क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे. जब बुक शेल्फ को टच करके होता है तो ऑन लिखते हैं, और बुक शेल्फ है उसके ऊपर कुछ हैंग हो रहा है तो क्या लिखेंगे? ओवर. पर ये तो टच करके ही था ना उसके ऊपर. यस, नेस्ट कैसे टच करके पड़ा था तो कैसे ऑन लिखेंगे, ठीक है ना. इन रूम, इंटू नहीं लिखते. इंटू कब? जब एक्शन चालू होती है, हमको वो मूवमेंट दिखती है ना, तब इंटू आता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? इन. ओके, चलो. अभी नीना वो, नीना सॉ टू बेबी स्पैरोज डैश द नेस्ट, इन द नेस्ट, है ना. उसने कहाँ पर देखे थे? नेस्ट के अंदर. व्हेन नीना केम बैक, कहाँ से आई थी? फ्रॉम मैरिज से, शादी से वापस आई, तो फ्रॉम, ठीक है ना. शादी में वापस आई, शादी पर वापस आई नहीं, शादी से वापस आई, तो क्या आएगा? फ्रॉम. शी सॉ टू प्लम स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, है ना. पूरे रूम को कवर करके वो इधर उधर उड़ रहे थे, तो ओवर आएगा, ठीक है ना, ऑल ओवर द रूम. नीना वॉज थ्रिल्ड टू सी दिस, फॉर नहीं आएगा, क्या आएगा? टू सी दिस, ये देख के. टू सी दिस, देख के नीना कैसे हो गई थी? थ्रिल्ड, एकदम से खुश हो गई थी. चलो बेबी, अभी बेबी का है ना, हम प्लूरल कैसे बनाएंगे देखो. जो एक एक बेबी होता है तो बेबी बोलते हैं, एक से ज़्यादा होता है तो क्या बोलते हैं? बेबीज. पर कैसे बनेगा? जैसे कि ये पीछे वाय होता है ना, जो भी वर्ड है उसके पीछे वाय है, और उसके आगे क्या है? बी है. वाय के आगे क्या है? बी. और बी क्या है? कॉन्सोनेंट, है ना. तो कोई भी वर्ड होता है उसके पीछे लास्ट में वाय है, और उसके अगर कॉन्सोनेंट है ना, तो वाय का क्या बन जाएगा? आई. तो हम बी ए बी लिखेंगे, वाई का बन गया आई, एंड उसके बाद हम ई एस लगाएंगे जब हम प्लूरल बनाएंगे, है ना. वन और मैनी, तो वन बेबी यानी एक बेबी, बेबीज यानी मोर देन वन, एक से ज़्यादा. तो कैसे लिखेंगे हम? बी ए बी वाई एस नहीं करेंगे, क्या करेंगे? वाई का आई बना देंगे और उसके बाद ई एस लगाएंगे. तो बेबीज का स्पेलिंग ऐसे बनेगा, ठीक है ना. जैसे कि चलो एक और एग्जाम्पल दूँ मैं आपको. जैसे कि कोई लेडी, तो लेडी का प्लूरल कैसे बनाओगे आप? तो देखो यहाँ पे वाई है लास्ट में, उसके आगे क्या है? डी. तो डी क्या है? कॉन्सोनेंट, है ना. ए ई आई ओ यू है? नहीं है. ए ई आई ओ यू क्या होते हैं? वोवल. और बाकी के सब कॉन्सोनेंट. तो अगर वर्ड के एंड में लास्ट में वाई है और उसके आगे कॉन्सोनेंट है, तो वाई का क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा. तो कैसे लिखेंगे? एल ए डी, y का क्या बन जाएगा? i, और उसके बाद हम es लगा देंगे. तो क्या बन गया ये प्लूरल? इसका स्पेलिंग लेडीज, बेबीज, लेडीज. तो ऐसे बनेगा, ठीक है ना. y निकल के i es लगा दो, ऐसे भी बोल सकते हैं. चलो अभी डोर, तो डोर्स. स्पैरो, तो स्पैरोस. एक होगी तो स्पैरो, मोर देन वन होगी तो स्पैरोस. टीयर, तो टीयर्स, पीछे s लग जाएगा. ओके, चलो. राइट डाउन द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. अपोजिट जेंडर, जैसे कि मदर तो फादर, बॉय तो गर्ल, अपोजिट जेंडर, है ना. चलो आंट, तो आंट के अपोजिट जेंडर क्या होगी? अंकल, ठीक है. ब्रदर तो सिस्टर, मदर तो फादर. निफ्यू, निफ्यू यानी भतीजा या भांजा, तो क्या होगा? निस, निस यानी भतीजी या भांजी. फादर इन लॉ, तो क्या लिखेंगे? मदर इन लॉ. पिकॉक, तो मोर, एंड पी पी हैन यानी मोरनी, हैन यानी मुर्गी, कॉक यानी मुर्गा. काऊ, गाय. ऑक्स, ठीक है ना, काऊ का क्या होगा? ऑक्स. गर्ल, तो बॉय. लायन, तो लायनेस, ठीक है ना. ऑपोजिट जेंडर लिखनी है आपको. ओके, चलो अभी यूज द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स यानी जो हम है ना अपोजिट बनाना है. एनोनिम्स यानी, एनोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट. सबसे पहले इसको रीड करते हैं. चलो यूज द प्रीफिक्स अन और डिस. अन और डिस दोनों में से कोई भी एक प्रीफिक्स यूज करके
टू राइट द एनोनिम्स, एनोनिम्स यानी सॉरी एंटोनिम्स यानी अपोजिट, एंटोनिम्स हाँ नॉट एनोनिम्स, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है अपोजिट, क्या होता है अपोजिट। एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे के जो वर्ड्स है ना उसको हमें क्या बनाना है एंटोनिम्स यानी अपोजिट्स बनाने हैं, और कैसे बनाने हैं उसके आगे प्रीफिक्स लगा के, क्या करके प्रीफिक्स, प्री यानी आगे लगता है ठीक है, जो हम आगे फिक्स करते हैं उसको क्या बोलेंगे प्रीफिक्स। देखो अभी एनकरेज वर्ड दिया है ठीक है, एनकरेज यानी किसी को प्रोत्साहित करना और किसी को निरुत्साहित करना, प्रोत्साहित का होता है अपोजिट निरुत्साहित ठीक है ना, तो एनकरेज तो उसका अगर हमको अपोजिट बनाना है तो हम क्या करेंगे डिस लगाएंगे, क्या लगाएंगे प्रीफिक्स, क्या लगाएंगे हम डिस, डिस लगाया हमने इसके आगे क्या लगाया डिस, डिसकरेज करना एनकरेज करना ठीक है, एनकरेज करना उसका अपोजिट क्या होगा डिसकरेज करना, तो एनकरेज तो डिसकरेज ठीक है। सेफ तो सेफ के आगे क्या लगाएंगे डिस सेफ नहीं पर क्या होता है अनसेफ, सेफ तो अनसेफ ठीक है। रिस्पेक्ट किसी को हम रिस्पेक्ट देते हैं ना, मान देते हैं सम्मान देते हैं, और किसी को मान सम्मान नहीं देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे डिसरिस्पेक्ट, क्या लगाएंगे हम आगे डिस, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट। फिर रियल तो अनरियल, उसके आगे हम अन लगा देंगे अनरियल, जो रियल नहीं है ऐसा तो अनरियल। लॉक तो अनलॉक, ताला लगाना तो उसको क्या बोलेंगे लॉक एंड अनलॉक, लॉक द डोर अनलॉक द डोर ओके। चलो पता चला प्रीफिक्स यानी कोई भी वर्ड हम आगे लगा के इस वर्ड का हमने क्या बनाया एंटोनिम्स बनाया अपोजिट बनाया ठीक है ना, प्रीफिक्स। वैसे सफिक्स भी आता है वो बाद में आएगा तो आपको पढ़ाएंगे। चलो अभी यहाँ पे है ना आपको ये पिक देख के ये वर्ड्स दिए हैं और ये आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, वैसे तो आपको ये खुद को बनाने थे पर मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हो ठीक है। राइट डाउन योर इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करो। चलो राइट 5 सेंटेंसेस ऑन काउ यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अभी हेल्प बॉक्स में क्या दिया है डोमेस्टिक एनिमल, जेंटल, फोर लेग्स, टू हॉर्न्स एंड टू ईयर्स, लॉन्ग टेल, ग्रीन ग्रास, स्ट्रॉ, मिल्क, ये सारे वर्ड्स दिए हैं ठीक है, और काउ का पिक्चर दिया है तो हम क्या करेंगे काउ के बारे में लिखेंगे, वी विल राइट डाउन अबाउट द काउ। तो क्या लिखा है मैंने काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल है ना यस, घरेलू प्राणी ना। इट इज वेरी जेंटल, वो कैसी होती है काउ, जेंटल होती है ना। इट हैज फोर लेग्स, टू हॉर्न्स एंड टू ईयर्स, उसके फोर लेग्स होते हैं, टू ईयर्स होते हैं एंड टू हॉर्न्स, हॉर्न्स यानी सिंगड़े होते हैं ना ये यस। फिर इट हैज अ लॉन्ग टेल, उसकी एक लॉन्ग टेल होती है। काउ ईट्स ग्रीन ग्रास एंड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ यानी सूखा घास ठीक है ना, खाती है ना वो यस। इट गिव्स अस मिल्क, वो हमें मिल्क देती है। काउ डंग इज वेरी यूजफुल, हम अपने हिसाब से भी कुछ और लिख सकते हैं ठीक है ना, तो मैंने लिखा है काउ डंग इज वेरी यूजफुल मैन्योर इन फार्मिंग, मैन्योर यानी खाद, खातर ठीक है ना। काऊ का जो डंग होता है ना उसका जो जिस वेस्ट होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है फार्मिंग यानी खेती में ठीक है। इट इज़ वेरी यूजफुल एनिमल टू अस ओके, तो ये हमें बहुत उपयोगी है, तो मैंने ये अपने हिसाब से लिखा है पर आप ट्राई करना खुद लिखने का ओके, जैसे भी आए आपको ऐसे। आप और भी कुछ लिख सकते हो काऊ के बारे में अगर आपको अच्छा लगे तो, देखो यहाँ पर बहुत सारी जगह है ओके, तो आपकी राइटिंग्स डेवलप होगी इसमें ओके। तो ये सब आप अपनी वर्कबुक में लिख दो, लर्न कर दो, और एग्ज़ाम के लिए MCQs आएंगे वो भी मैं आपको कराऊंगी ठीक है, तब तक आप सब ये फिनिश कर दो ठीक है। चलो ओके बाय बाय।